हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जेंसार टेक्नोलॉजी की। यहाँ पे जेंसार का Q4 क्वार्टर का आप रिजल्ट्स देख सकते हैं कि Q4 क्वार्टर का रिजल्ट्स कंपनी ने पब्लिश कर दिया है और यहाँ पे 25 अप्रैल 2024 का डेट आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आउटकम बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 25 अप्रैल 2024 आपको देखने को मिल रहा होगा सब्जेक्ट में, और यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया है दोस्तों। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड अनाउंसमेंट कितना किया है, उस पर हम चले आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो फाइनल डिविडेंड कंपनी ने दिया है 7.50% का यहाँ पे डिविडेंड दिया है। 7 रुपया पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड कंपनी ने फाइनल डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है, जो यहाँ पे बोर्ड अप्रूवल के बाद एजीएम मीटिंग के बाद, अगर हम कहें तो एजीएम मीटिंग होगा एनुअल जो बोर्ड एक तरह से एजीएम जो मीटिंग होता है उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्ड डेट कंपनी यहाँ पे अनाउंसमेंट करेगी, उस टाइम के बाद यहाँ पे दिया जाएगा। 2 रुपया के फेस वैल्यू के हिसाब से कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड देती हुई नजर आई है और कंपनी के यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ मेंबर्स ऑफ इंसुइंग एजीएम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जो रिकमेंडेशन ऑफ रिपॉइंट मिस्टर हर्ष वर्धन गोयंका है, जो यहाँ पे कंपनी के अंदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड चेयरमैन ऑफ द कंपनी है इस कंपनी के, उनको रीअपॉइंटमेंट से रिलेटेड यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया गया है। राधा रजरप्पा हैं जो यहाँ पे, इनको रीअपॉइंटमेंट किया गया है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको देखने को मिलते हैं इस कंपनी के अंदर। इसके साथ साथ कंप्लीशन ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड यहाँ पे अपडेट आपको देखने को मिलेगा। तो मैं ये सब सारी चीज़ों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, सबसे पहले हम चलते हैं कंपनी की जो यहाँ पे एक तरह से रिजल्ट्स आया है उस पर हम बात करते हैं। और यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी इफेक्टिव 1 मई 2024 ऑनवर्ड्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। जो ऑडिट कमिटी की बात करें, नॉमिनेशन एंड रिन्यूमरेशन कमिटी की बात करें, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी की बात करें, तो ये सब सारे लोग यहाँ पे आपको उनके नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं अभी के टाइम पे। आरपीजी ग्रुप की ये कंपनी है जो ऑलरेडी आपको मैंने पहले भी बताया हूँ कई बार। और यहाँ पे आप चलते हैं, सबसे पहले रिजल्ट्स देखते हैं कि जेंसार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का यहाँ पे रिजल्ट्स किस प्रकार से कंपनी ने यहाँ पे पब्लिश किया है। तो मैं जस्ट रिजल्ट्स के पॉइंट पे पहुंचने वाला हूँ। आई होप काफ़ी नीचे रिजल्ट्स कंपनी ने यहाँ पे दिया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इस पर। मिलियन टोटल नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं अमाउंट इन मिलियन है। और स्टैंड अलोन ऑडिटेड फिनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर एंड ईयर एंडेड 2024 आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो चीज़ें देखने को मिलेगा मार्च 2023 का और मार्च 2024 का, यहाँ 5587 करोड़ का हुआ था पिछले साल, जो इस बार 5536 करोड़ का टोटल इनकम। तो यहाँ पे टोटल इनकम में गिरावट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन पिछले क्वार्टर से यहाँ पे आपको जंप देखने को मिल रहा है। 5321 करोड़ से बढ़ के 5536 करोड़ हुआ है। तो कंपनी का यहाँ पे टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट है, लेकिन टोटल एक्सपेंसेस की बात करें खास करके इस कंपनी की, तो टोटल एक्सपेंसेस अगर आप देखते हैं तो सॉरी दोस्तों यहाँ पे करोड़ में नहीं है, 553 करोड़ है टोटल। अगर मैं इन टोटल इन मिलियंस में नंबर दिया गया है तो 553 करोड़ ही हम इसको पढ़ेंगे और 532 करोड़ इसको पढ़ेंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें मार्च 2023 की तो 558 करोड़ इसको पढ़ेंगे दोस्तों, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप देखिएगा पिछले साल से इसमें ग्रोथ तो देखने को मिला है कि यहाँ पे 1975 करोड़ से सीधा बढ़ के यहाँ पे 2191 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट कर रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम साल दर साल अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी के एक्सपेंसेस की तो 398 करोड़ का एक्सपेंसेस देखने को मिलता है, जो पिछले क्वार्टर में 400 करोड़ था और पिछले ईयर की बात करें तो 374 करोड़ का देखने को मिल रहा था। तो पिछले साल से यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे रेवेन्यू भी कम है और साथ में यहाँ पिछले क्वार्टर से कम, थोड़ा सा कम है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं फ्लैट देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर हम देखें तो 112 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट करती हुई नजर आई है, जो पिछले क्वार्टर में 101 करोड़ का की थी और पिछले साल 151 करोड़ का। तो पिछले साल से बहुत ज़्यादा गिरावट है दोस्तों, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 308 करोड़ देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पे 477 करोड़ टोटल कंपनी यहाँ पे नेट प्रॉफिट करती हुई नजर आ रही है फिनेंशियल ईयर FY24 के अंदर दोस्तों।
दोस्तों यहाँ पे कंपनी के ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 4.98 रुपये बेसिक ईपीएस देखने को मिल रहे हैं, जो पिछले साल से डाउन है और पिछले क्वार्टर से अप देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये था बेसिकली जेंसार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का यहाँ पे, यानी जेंसार टेक की अगर हम बात करें तो इनका Q4 क्वार्टर का रिजल्ट। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जेंसार टेक्नोलॉजी का जो मैंने Q4 क्वार्टर का रिजल्ट आपको इमिडिएटली वे में दिया है, अगर आप देखोगे ये रिजल्ट अभी जस्ट कुछ टाइम पहले ही आया है, 16:53। मैं यहाँ पे अभी करीब करीब यहाँ पे 7-8 मिनट की देरी हुआ है मात्र, और 7-8 मिनट की देरी में मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ दोस्तों। तो बस फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। लेकिन किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं होगा।